Greetings from the International Space Station. It is a pleasure to congratulate India on 75 years of independence. असल में इशू ये है कि उन्होंने बतौर कौम इस सारी चैलेंज को कबूल कर लिया है, हमने बतौर कौम इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। ये अजीब मुल्क है मैम। ये सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन जबकि हुआ है ऐसा। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक एक धेले को एक एक पैसे को रो रहे हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब के दौरान फायरिंग का वाक्या पेश आया है। फायरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर की गई। आई वाज लिटरली स्टंड अबाउट ऑल, हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वहाँ पे जो इंडियंस हैं उन्होंने हिजाब वाली जो लड़कियाँ हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? इंडिया ओला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और पाकिस्तान जो है वो कौमी तराना लॉन्च करने जा रहे हैं 14 अगस्त को। बहुत ही अपनी जोनसाना मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और हम शायद इसी वजह से बहुत पीछे हैं क्योंकि हम अपने मुल्क से जैसे हमें हक है ना अदा मोहब्बत का, वो हम नहीं अदा करते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और भारत को दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही एक संदेश दुनिया के बाहर से आया है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर काम कर रही अंतरिक्ष यात्री सामंत्रा क्रिस्टो फ्रेंटी ने इस ऐतिहासिक क्षण पर भारत को बधाई संदेश भेजा है। एक वीडियो संदेश में अंतरिक्ष यात्री सामंथा ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत को बधाई देते हुए खुशी हो रही है, और दशकों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर कई अंतरिक्ष और विज्ञान मिशनों पर काम किया है। नासा की इस वैज्ञानिक ने खुलकर भारत और इसरो की तारीफ की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने स्वतंत्रता दिवस पर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहा है, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुहिम चल रही है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट इज अ प्लेजर टू कांग्रेचुलेट इंडिया ऑन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉर डेकेड्स इंटरनेशनल एजेंसीज हैव कोऑपरेटेड विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन मेनी space and science missions. On behalf of ESA, NASA and all international partners, I would like to wish best of luck to ISRO. अब आप ये इमेजिन कर ले कि एक तरफ भारत है जिसने आजादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक एक धेले को एक एक पैसे को रो रहे हैं, और फिर बातें करें कि हमारी लीडरशिप को। कल रात में वजीर आजम पाकिस्तान को सुन रहा था, यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। इंडिया का देख ले, तीसरे चौथे नंबर में मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एग्जैक्ट मेरे स्टैटिस्टिक्स निकल गए। सो आप देख लें, पाँचवें नंबर में परहैप्स। So, ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कल रात जो स्पीच की वो यही बड़ी स्पीच की, उन्होंने कहा सामने जो है ना पिछली हुकूमतों ने ये तबाह कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया। इमरान खान ने 1.5 घंटा लाहौर में स्पीच की। मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जनाब रात लाहौर के जलसे क्या बड़ी तकरीर की खान साहब ने, बड़ी की थी, बढ़िया स्वाद आ गया, ठीक है। और सिर्फ इस चीज़ में हमें नशा है, इस चीज़ का नशा है कि उन्होंने तकरीर बड़ी की थी। मुझे तो लगता है कि बेसिकली तो हमारी वो जो इंटेलेक्चुअल पावर्टी, वो जो गुर्बत है, दिमागी गुर्बत, हम जो इम्प्रेस हो जाते हैं पर्सनैलिटी से, और उधर इंडिया जो है वो अपनी वो उसकी उसकी आप ग्रोथ देखें, तरक्की देखें, वो कहाँ पर मुकाबला कर रहा है। वो आज अमेरिका जो है के साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे हैं, तो गिव अ टफ टाइम टू चाइना। इंडिया जो है वो अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आईटी में सिर्फ नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है, एविएशन में भी है, एजुकेशन में भी है, एनर्जी में, हेल्थ में,
ठीक है, और मुझे यहाँ से याद है कि पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं ताकि हमारे कोई हमारी कोई सीवी मजबूत हो जाए। मैं आई मेट समवन जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर जो है सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं सिर्फ उनकी सीवी मजबूत हो जाए। ये पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर 2-3 माह में अमेरिका गए हैं, कभी कोई डायलॉग, कभी कोई डायलॉग, कभी खुद ही चले जाते, कभी कोई ऐसा इन्विटेशन होता है, अमेरिका से तो कोई भी नहीं आया। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये हकीकी आजादी की बात करते हैं कि हम आपको रियल इंडिपेंडेंस ले, किससे रियल इंडिपेंडेंस लेनी है? सऊदी अरब से भी तो $4 अरब ले रहे हो भाई। IMF ने कहा है कि हमें तो IMF से भी आजादी चाहिए, हकीकी आजादी। हमें तो जैसे मैंने बताया ना सऊदी अरब से भी हकीकी आजादी चाहिए। हमें तो आप लोगों ने इन गुलामी और आजादियों में आप लोगों ने फंसाया हुआ, आवाम तो काम करने को तैयार थी। ये जो बात कर रहे हैं ग्रेडेड ऑफिसर्स, उस वक्त तो आपकी इंडियन सिविल सर्विस थी ICS, फिर हमने इसको CSP में कन्वर्ट कर दिया, फिर PCS में कर दिया। अब ये मुझे बताएं कि क्या हमारा ये जो केडर है जो निकालता है, और इन्होंने एक और बात की है पुलिस 1904 के PP ये पीनल पुलिस पीनल कोड अभी तक चल रहे हैं, हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया, क्या वजह है? सर ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। हिंदुस्तान ने कौन से कोई नए कानून बना लिए हैं? उन्होंने भी इंडियन पीनल कोड में जो अपना छोड़ के गया पीनल कोड उसका अंग्रेज, उसके कुछ हैं आर्टिकल्स जिसमें तरामीम किए, वैसे वो भी उन्हीं पर चले आ रहे हैं। उन्होंने कौन सा अपना कोई नया सिस्टम इवॉल्व कर लिया? उनके भी ICS अफसर रहे हैं जो जिनके बाद उनकी नई सर्विसेज बनी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इशू ये है कि उन्होंने बतौर कौम इस सारी चैलेंज को कबूल कर लिया है, हमने बतौर कौम इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। ये जी मुल्क है कि आपने कहा जी कि जो ये कौम है इसके जो 54% लोग हैं वो बराबर हैं 46% के। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आई वॉज लिटरली स्टंड अबाउट ऑल हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वहाँ पे जो इंडियंस हैं उन्होंने हिजाब वाली जो लड़कियाँ हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, और ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी है देखा जाए तो। और जैसा कि अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 75 इयर्स इसको आज़ाद हुए हो चुके हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे सेम उसी तरह अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स इस तरह के ले कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरी जो कम्यूनिटी है वो अगर सेम इस तरह मतलब बिहेव करेंगे तो ऑलरेडी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और वो लोग कहेंगे कि हम लोग भी जो हैं वो इस मुल्क को आज़ाद करवाने में हम लोगों की भी फुल टाइम पार्टिसिपेशन थी। तो मैं तो एंड पे ये कहूँगा इट इज़ रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी, सो इसको होना चाहिए। मदारिस के छोटे छोटे बच्चे, हिजाब की हुई लड़कियां और वहां पर मुस्लिम लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर आम शहरियों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं और उन पर बड़ा जुल्म ढाया जाता है? एग्जैक्टली ये अगर देखा जाए तो मतलब आई थिंक ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप इसको बोल सकते हैं। तो देखने में तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जिस तरह उनकी सारी ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है।